हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो है अबाउट माय बॉडी स्किन केयर रूटीन। बॉडी स्किन के लिए मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, कौन सा बॉडी मास्क, लोशन, बॉडी ऑयल्स वगैरह यूज़ करती हूँ या नहीं, बॉडी टैन के लिए मैं क्या रिकमेंड करूँगी। एंड ऑल्सो समर सीजन है तो बहुत जल्दी टैन आ जाता है हम सबको, तो बॉडी टैन को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड सो ऑन। सो समिंग अप, आज की वीडियो में हम रैंडमली बात करेंगे अबाउट माय ओन बॉडी स्किन केयर रूटीन एंड ऑल्सो आपके जो भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है अबाउट बॉडी स्किन केयर। जो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हो, मैं देखती हूँ ऑफन कमेंट सेक्शन में, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आंसर करूँगी। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और एटलीस्ट आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। ऑल्सो इतने प्यार से मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो थोड़ा सा प्यार आप भी मुझे कर देना वीडियो को लाइक करके एंड ऑफ कोर्स आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यू नो, जस्ट लाइक योर फेशियल स्किन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर बॉडी स्किन ऑल्सो। एंड रेगुलर यूज़ के लिए मेरे दो फेवरेट बॉडी वॉशेज हैं, बोथ आर वेरी वेरी जेंटल एंड मेरी बॉडी स्किन को ज़रा भी ड्राई नहीं करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ दिस अवीनो स्किन रिलीफ बॉडी वॉश एंड द सेकेंड वन इज़ दिस निविया बॉडी वॉश। बोथ ऑफ दिस बॉडी वॉशेज आर वेरी वेरी जेंटल एंड ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर द स्किन एंड मैं इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। अवीनो वन गिव्स मी अ मोर लग्जूरियस फील, although it is fragrance free, and this Nivea face body wash, this Nivea body wash is a very simple and gentle and a budget friendly, well smelling body wash. Okay, so यहाँ पर मैं आपका और एक question का answer करूँगी। तो मेरे पास एक question आया था, आप में से किसी ने comment किया था कि क्या मैं daily regularly body wash use कर सकती हूँ। So the answer is आई डोंट थिंक आपको डेली बॉडी वॉश यूज़ करने की ज़रूरत है, अनलेस आप बहुत ही धूल मट्टी में रहते हो, काम करते हो या फील्ड में काम करते हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में या फिर फार्मिंग माइंस में, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो। अदरवाइज आप वीक में 2 से 3 बार बॉडी वॉश यूज़ करोगे पूरे स्किन पे, पूरे बॉडी स्किन पे। ऑफकोर्स आप अपने इंटीमेट एरियाज़ के लिए डेली भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अंडरआर्म्स आई नीड टू वॉश एवरी डे। सेम रूल फॉर एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉशेज, जैसे AHA BHA कंटेनिंग बॉडी वॉशेज। एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉशेज आपके स्किन को थोड़ा ड्राई कर सकते हैं, तो इसके लिए वीक में 2 से 3 बार मैक्सिमम। सो आफ्टर क्लीनिंग मैं करती हूँ अपनी बॉडी स्किन को एक्सफोलिएट वीक में 2 बार। एंड बॉडी एक्सफोलिएशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ दिस मिनिमलिस्ट का बॉडी एक्सफोलिएटर। शार के बाद क्लीन स्किन पे मैं यूज़ करती हूँ इसको, इसके कुछ ड्रॉप्स हाथ में लेके मैं अपने पूरे बॉडी स्किन पे अप्लाई करती हूँ। इसको अप्लाई करके 5 to 10 मिनट्स के बाद मैं डायरेक्टली अपना बॉडी लोशन या सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। इसको वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। प्रॉपर स्किन एक्सफोलिएशन से आपको मिलता है स्मूथ, ग्लोइंग, ब्राइट, ब्यूटिफुल एंड यूथफुल टैन फ्री स्किन। अच्छा, आपका और एक क्वेश्चन, अंडरआर्म स्किन के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ। अंडरआर्म्स को भी एक्सफोलिएट करना ज़रूरी है, एटलीस्ट अगर आपको स्किन डार्कनिंग है, पिगमेंटेशंस है, तो आप एक्सफोलिएट कर सकते हो, बट मेक श्योर टू बी वेरी जेंटल बिकॉज अंडरआर्म्स की स्किन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो मैं यूज़ करती हूँ दिस मिनिमलिस्ट का AHA BHA 10% सीरम एंड ये सीरम मैं अपने फेस पर भी अप्लाई करती हूँ। तो मैंने बहुत होप के साथ ये डिकॉन्स्ट्रक्ट का बॉडी वॉश भी परचेस किया था, बट सैडली ये मुझे उतना पसंद नहीं आया। ये एक एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश है, इट मेक्स माय स्किन रादर ड्राई एंड ये प्रोडक्ट यूज़ करके मुझे कुछ भी ब्राइटनिंग रिजल्ट भी नहीं दिखा। नेक्स्ट स्टेप इज़ यूजिंग अ बॉडी मास्क और अ बॉडी पैक एंड अगेन ये स्टेप मैं डेली फॉलो नहीं करती हूँ। अब किसकी शादी है यार। ओके या सो ये स्टेप मैं डेली फॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि बॉस इतना टाइम कहाँ है। अगर स्किन केयर मेरा फुल टाइम जॉब होता, इन दैट केस मे बी मैं डेली बॉडी मास्क अप्लाई करती। नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई एम टू लेजी फॉर दैट। ओके, सो बॉडी स्किन के लिए जो बॉडी मास्क, आई एम सो सॉरी गाइस, शादी हो रही है किसकी। सो मेरा स्पेशल सिंपल होममेड बॉडी मास्क में सबसे पहले मैं डालती हूँ मेरा फेवरेट स्किन केयर DIY इंग्रेडिएंट, विच इज़ प्लेन अनफ्लेवर्ड दही और योगर्ट
ऑफ कोर्स। एंड साथ में मैं मिलाती हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा एलोवेरा जेल एंड ऑल्सो समटाइम्स कभी कभी मैं डालती हूँ थोड़ा सा बेसन एंड कॉफ़ी, जिस दिन मुझे एक अच्छा नाइस बॉडी स्क्रब का मन करता है। ओके, तो ये पैक अप्लाई करके ड्राई होने के बाद मैं नहा लेती हूँ थोड़ा सा लूकवॉर्म पानी से, या फिर नॉर्मल पानी से भी नहा सकते हैं। ओके, सो ये स्टेप आता है एक्सफोलिएशन के बाद। एक्सफोलिएंट यूज़ करने के 10 मिनट या 15 मिनट्स बाद मैं ये बॉडी मास्क अप्लाई करती हूँ। शार के बाद मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ दिस सेरावे डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन। येस, इट कैन बी अ बिट एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन इंडिया, बट आई बॉट इट फ्रॉम अ जेन्युइन सेलर ऑन अमेज़ॉन एंड मैं सेलर का नाम डाल दूँगी स्क्रीन पे। यूजुअली यूज़ करती हूँ इसके लिए बोला क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है कि आजकल मैं कोई भी बॉडी लोशन यूज़ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, और एक चीज़ मैं करती हूँ कभी कभी मेरे बॉडी लोशन के साथ, थोड़ा सा लोशन हाथ में लेके उस पर द ऑर्डिनरी का जो नायसिनमाइड सीरम है उसके थोड़े ड्रॉप्स डाल देती हूँ मैं, फिर मैं मिक्स करके अप्लाई करती हूँ मेरे बॉडी स्किन पे, बस 2 या 3 ड्रॉप्स, बिकॉज यू नो नायसिनमाइड इज़ वंडरफुल फॉर स्किन बैरियर रिपेयर, स्किन हाइड्रेशन एंड ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स। ओके, सो भले ही मैं गर्मी की वजह से बॉडी लोशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट बाहर जाने से पहले, धूप में निकलने से पहले, आई नेवर एवर फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन माई स्किन एंड यू शुड ऑल्सो। ओके, सो बॉडी सनस्क्रीन को लेके भी आपके बहुत सारे क्वेरीज आए हैं मेरे पास कि बॉडी स्किन के लिए कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, तो डोंट वरी, है मेरे पास 2 अमेजिंग ऑप्शंस जो दीज आर माई फेवरेट्स एंड आई यूज दम रेगुलरली। सो द वन इज़ दिस निविया प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चर सनस्क्रीन, SPF 50, इट्स PA++, एंड द अदर वन इज सेटफिल सन किड्स लाइपोसोमल लोशन SPF 50, एंड इट हैज़ एन अमेजिंग UVA प्रोटेक्शन। इसका PA रेटिंग नहीं है बिकॉज इट्स अ यूरोपियन सनस्क्रीन, बट ये जो देख रहे हो आप UVA के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, तो दिस मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बोथ द UVA एंड UVB रेज, सफिशियंट प्रोटेक्शन यू विल गेट। सो ये सेटफिल का सनस्क्रीन, इट इज़ एक्सपेंसिव, आई अग्री विथ यू, बट इट गिव्स अ वेरी वेरी सुपेरियर प्रोटेक्शन, जो आप बीच वकेशंस वगैरह के लिए अगर आप जाते हो तो यू कैन टोटली रिलाई ऑन दिस सनस्क्रीन, आपको ज़रा भी टैन बैन नहीं होगा अगर आप सफिशियंट क्वान्टिटी में अप्लाई करते हो एंड रीअप्लाई करते रहते हो तो। सो दिस सनस्क्रीन इज़ अमेजिंग फॉर बीच वकेशंस एंड डे टू डे यूज़ के लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि ये एक अच्छा अफोर्डेबल सनस्क्रीन है, तो ये सनस्क्रीन आप यूज़ करते हो फॉर डे टू डे अप्लीकेशंस। दोनों सनस्क्रीन्स अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा ग्रीजी फील हो सकता है, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द सनस्क्रीन गेट्स अब्सॉर्ब्ड इनटू द स्किन। सो गाइज, दैट्स इट अबाउट माई बॉडी स्किन केयर रूटीन एंड होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू सून विद माई वेरी नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर, लव यू।